जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। एक बात याद रखिएगा बच्चों, जिन क्वेश्चंस की लेंथ छोटी होती है ना, सॉल्यूशन की नहीं, क्वेश्चंस की, वो टीचर्स को बहुत पसंद होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अभी ऑपोजिट साइड आ गए, यहाँ पर देखिएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। हिंदी में देख लीजिए, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अभी क्या है बच्चों, ये रहा आपका कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी, ए बी सी डी। ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट्स हैं, ए बी का मिड पॉइंट पी है, क्यू का मध्य बिंदु, सॉरी बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, सी डी का मध्य बिंदु आर है, और ए डी का मिड पॉइंट एस है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम ऑपोजिट ऐड कर दें, दैट मीन्स पी को आर से जोड़ दें और S को Q से, विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर हम जोड़ दें, तो ये जो आए ना दो रेखाखंड लाइन सेगमेंट, ये परस्पर समद्विभाजित करेंगे, दैट मीन्स दे विल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, एक दूसरे को वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको पता है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 से जैसे हम करते आ रहे हैं ना 1, और इसमें ये पैरेललोग्राम प्रूव करना था, बस वही है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में 60% सेम है, फर्स्ट फोर्थ एंड फाइव, ये तो है ही वही। देखो कैसे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। एक बार नहीं, तीन बार हम पढ़ चुके हैं, है ना। जब हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स के यानी आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो जो आकृति बनती है वो हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होती है। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है, क्लियर। अब ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की खासियत क्या होती है बेटा, वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये तो होती प्रॉपर्टी होती है। तो हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, और उसके बाद हम ये बात बोल देंगे कि चूंकि पी आर और एस क्यू इसके डायगोनल्स हैं, इसके विकर्ण हैं, तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदा क्या बोलते हैं उसको, समद्विभाजित करते हैं, अतः ये समद्विभाजित करेंगे। इंग्लिश वाले क्या बोल देंगे कि वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई पी आर पी आर एंड क्यू एस विल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इसको पैरेललोग्राम बनाना अब तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया होगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन बार हम इसे कर चुके हैं, फिर एक बार और कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी एक डायगोनल बनाना होता है। ठीक है ना, कोई भी एक डायगोनल ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया, हिल गया, कितनी बार कोशिश की हो फिर भी हिल गया। चलिए एसी ले लिया, अब आप ले लो ट्रायंगल डीएसी, ये त्रिभुज डीएसी लिया, इसमें एस क्या है, डीए का मध्य बिंदु है, आर क्या है, डीसी का मध्य बिंदु है, और जब दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ा जाता है तो मध्य बिंदु प्रमेय लग जाती है। इंग्लिश वाले सुन लीजिए, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डीए, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एंड व्हेन वी जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन इट दिस लाइन सेगमेंट विल बिकम पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना। ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है ना, वही है। तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, एस आर ए सी के पैरेलल, समांतर, ये पैरेलल भी होता है और इसका हाफ भी होता है, आपको पता है, आपने मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा था, याद कर लीजिए। तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, इसी प्रकार जब हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ना ए बी सी, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। तो अब एस आर ए सी के पैरेलल,
पी क्यू भी ए सी के पैरेलल, इसका मतलब एस आर और पी क्यू पैरेलल। एस आर ए सी का हाफ, पी क्यू भी ए सी का हाफ, दोनों एक ही के हाफ, दैट मीन्स एस आर एंड पी क्यू आर इक्वल ऑल्सो। तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो आपने थ्योरम 8.8 अच्छे से पढ़ी है, उस स्टेटमेंट को याद भी किया है। वो क्या होता है कि किसी भी चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का अगर एक युग्म भी क्या बराबर और समांतर है तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, डिक्लेयर्ड पैरेललोग्राम। तो ये हमें करना है। एक बार ये पैरेललोग्राम बन गया फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये इसके डायगनल्स हैं और पैरेललोग्राम के डायगनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब लिखना कैसे है बच्चों वो देख लीजिए। गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तथा पी क्यू आर तथा एस इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। शो क्या करना है, पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, पी आर और क्यू एस परस्पर समद्विभाजित करते हैं। सॉल्यूशन, त्रिभुज ए डी सी लिया, इसमें एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ए डी एंड डी सी, ये लिख लिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखा, सिर्फ ये लिख दिया, आप स्टेटमेंट पूरा लिखना, ठीक है। एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। अब वन और थ्री लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पैरेलल आ जाएंगी। टू और फोर लेंगे तो ये इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। विपरीत भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर रहता है, यह एक समांतर चतुर्भुज है और जैसे ही ये समांतर डिक्लेयर हुआ हमारा काम बन गया। एस क्यू एंड पी आर आर इट्स डायगनल्स, एस क्यू एंड पी आर इसके विकर्ण हैं, देयरफोर दे विल बाइसेक्ट ईच अदर, अतः वे परस्पर समद्विभाजित करेंगे। हैंस शोड, या फिर यही शो करना था, ठीक है। हेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बट बिफोर दैट वी मस्ट रीड इट। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि नंबर वन, डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। नंबर टू, एम डी ए सी पर लंबवत है। नंबर थ्री, सी एम और एम ए इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, ए बी के हाफ के इक्वल हैं, मतलब ये ए बी के हाफ हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें डायग्राम बनाना होता है ना, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी एम इज इक्वल टू एम ए एंड दे बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। नाउ सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट सी, देखो हमने बनाया राइट एंगल है, उसको हमने सी ले लिया, उस एंड पॉइंट को सी ले लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल रेडी हो गया। इसके बाद बेटा ये जो ए बी है ना, इसका डायगनल, कर्ण बोलते हैं ना, कर्ण डायगनल, सॉरी नॉट डायगनल, हाइपोटेन्यूस। डायगनल किस में होता है, क्वाड्रिलेटरल में। इसमें क्या इसका नाम चेंज होके हो जाता है, हाइपोटेन्यूस। ओके, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, उसमें हिंदी में बोलते हैं विकर्ण और इसको कहते हैं कर्ण, इधर कहते हैं डायगनल, इधर कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है यानी कि कर्ण है, इसका मध्य बिंदु M है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट इज गिवन, दैट मीन्स ए बी, सॉरी ए एम एंड ए बी आर इक्वल। ओके, इसके बाद M से एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन कैसी है, ये बी सी के पैरेलल है, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि एम डी इज पैरेलल टू बी सी। इन्होंने बोला, हमने कुछ नहीं किया, इनका डायग्राम इन्होंने ऐसे बना, हमने ऐसे बना दिया पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं गिवन और टू शो थोड़ा सा आपको बता दूँ। गिवन में इन ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में,
एंगल सी इज 90 डिग्री, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम डी इज पैरेलल टू बी सी, ये सब गिवन है। टू शो, ये तीन चीज़ें बुक में हमने पढ़ी थी, वो लिख ली इंग्लिश और हिंदी में। अब सुनो बच्चों, पहले सॉल्यूशन। यहाँ पर मुझे एक चीज़ लिखनी है, आप ही लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मिसिंग है ये। हिंदी वाले लिखेंगे रचना, और क्या है रचना, जॉइन एम सी, ठीक है, एम को सी से जोड़ा, ओके, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए अब बच्चों मैं आपको समझाती हूँ, हम करेंगे पार्ट वन। पार्ट वन में हमें क्या शो करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी ए सी का मध्य बिंदु है, पहले ये शो करना है। देखो बेटा, ए बी का मिड पॉइंट कौन, एम, एंड एम डी इज पैरेलल टू बी सी, गिविन है, हमारा कुछ नहीं है, दिया हुआ है कि एम डी और बी सी समांतर हैं और एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो कौन सी थ्योरम लगी, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स था ना, वो यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या था वो, कि किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से होकर दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन जाती है तो वो तीसरी साइड को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। दोनों लैंग्वेज मिक्स कर दी मैंने, ओके, दोनों लैंग्वेजेस मिक्स कर दी, समझ में आ गया होगा। तो M मिड पॉइंट है AB का, MD इज पैरेलल टू BC, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख देना, तो D विल बी द मिड पॉइंट ऑफ CA। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कि नहीं, डी ए सी का मिड पॉइंट आ गया, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये 90 के हैं दोनों, आपको भी समझ में आया कि ये करस्पॉन्डिंग है, हाँ भाई 90 के तो होंगे। ये बताओ मुझे, इन दोनों का सम कितना होगा और क्यों होगा, ये कौन से एंगल हैं, ये है लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर है ना, रैखिक युग्म। तो ये 90 है, 90 प्लस एम डी सी इज इक्वल टू 180, सॉल्व करोगे तो ये भी 90 प्लस 90 180, तो ये भी 90 आ गया, है कि नहीं, इतना समझ में आ गया। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, हो गया कि नहीं, एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, गॉट इट। अब लास्ट हमको बताना है कि सी एम और एम ए इक्वल है, सी एम एंड एम ए, है ना, सी एम एंड एम ए, तो आ गया ना वही जो ट्राइंगल बनाने की हमको ज़रूरत थी, वो मिल गया हमको। तो सी एम इज इक्वल टू एम ए के लिए हमें ये दो ट्राइंगल्स लेने होंगे, कौन से, ये वाला और ये वाला। अब देखो, सी डी इज इक्वल टू डी ए प्रूव हो चुका है, 90 प्रूव हो चुका है, एम डी इज कॉमन, एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस अप्लाई हो गई, गॉट इट। और फिर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम, एस ए एस सर्वांग समता अभिग्रही से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, गॉट इट। अब जब ये दो ट्राइंगल सर्वांग सम हो गए, इसका मतलब सी एम इज इक्वल टू ए एम, एंड ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, ए एम तो ए बी की आधी है, इसका मतलब सी एम भी ए बी की आधी होगी, गॉट इट। ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, दैट मीन्स सी एम विल ऑल्सो हाफ ऑफ ए बी। अभी इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, पहले मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल वाली बात लिख दी, फिर मैंने इसको पॉइंट्स वाइज शुरू किया। ए सी बी में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मध्य बिंदु है तथा एम डी समांतर है बी सी के, डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये पूरा जो है ना वो थ्योरम कौन सी थी, 8.2 थी ना शायद, वो पूरी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, ये नहीं 8.10 नहीं, 8.10 थी, 8.10 थ्योरम थी, वो थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड में, ये 90 वाली बात मैंने आपको बोलकर बता दी कि ये 90 के हैं, करस्पॉन्डिंग है इसलिए संगत है, इन दोनों का सम 180 क्योंकि ये लीनियर पेयर रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो एम डी सी भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो दूसरी वाली भी प्रूव हो गई कि एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अब एम डी सी और एम डी ए दो ट्राइंगल लिए, ये मैं आपको सब बोलकर बता चुकी हूँ, आप समझ भी चुके हैं, ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सी पी सी टी, ओ गॉड, बाय सी पी सी टी तो रही गया, आप लिख लेना बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी द्वारा, ठीक है, ये इक्वल हो गए, और एम ए तो ए बी का हाफ है ही, सी एम उसका भाई बन गया तो वो भी उसका हाफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर 8 आज कंप्लीट होता है, अब हम नया चैप्टर लेंगे अपने नए वीडियो में, टिल देन जय हिंद।